रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, मेरी आपसे गुजारिश होती है, अगर आप नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन टच कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जोर से जल्द पहुँच सके। तो व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ मटन चाप कढ़ाई। देखें, ये मैंने 2 किलो मटन चाप कढ़ाई ले ली है। इसे मैं इसका और इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाल दिए हैं। इसका फ्लेम ऑन करती हूँ, हाई फ्लेम रखा है। अब इसमें मैं पहले यखनी इसकी बनाऊंगी, फिर मैं इसकी कढ़ाई बनाऊंगी। ये देखें, 2 चम्मच जो है ना, मैंने इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। और 2 ही चम्मच के करीब मैं इसमें डालूंगी सफ़ेद ज़ीरा और नमक, और जो है ना लहसुन अदरक, ये डालकर मैं इसकी यखनी बनाऊंगी। ये मैंने नमक इसमें मैं 2 चम्मच डालूंगी, अगर कमी पेशी हुई फिर मैं बाद में डालूंगी। इसमें इसकी स्टीम बनने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों देखो, मैंने कढ़ाई चेंज की है, मसाला से गोश्त ज़्यादा था और वो कढ़ाई छोटी थी, इसलिए चम्मच ना मैं इसकी चम्मच हिला नहीं पा रही थी। ये देखें, और मैंने इतना इसमें पानी डाला है जो इसके पानी में ये गोश्त अच्छी तरह से गल जाए, और इसी यखनी में गोश्त जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। कोई इसे कढ़ाई कहता है, कोई इसे नमकीन गोश्त कहता है, लेकिन मैं तो इसे कढ़ाई कहती हूँ, कढ़ाई मटन चॉप। चलिए, अब मैं इसका फ्लेम लो करके इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे ना ढक्कन दे के रख देती हूँ 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। ये देखें, गोश्त भी गल गया अच्छी तरह से और पानी भी खुश्क हो गया। अब मैं इसमें घी डालती हूँ और साथ ही टमाटर। दोस्तों देखें, यखनी में गोश्त अच्छी तरह से गल गया और मैंने इसमें घी डाल दिया जितना मुझे ज़रूरत था। और 2 किलो चाप है, मटन चाप है, इसमें मैंने 1 किलो टमाटर डाले हैं। अब मैं इसे जो है ना दम पे रख दूंगी ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाए, फिर इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए दोस्तों, लग रहा टमाटर गल गए हैं। अब मैं इसके छिलके निकाल रही हूँ। ये देखिए, अच्छी तरह से छिलके अलग हो गए हैं। दोस्तों देखो, छिलके मैंने निकाल लिए हैं। अब मैं टमाटर की भुनाई करती हूँ। 1-2 रह गए हैं नज़र ना आने की वजह से। अब मैं अच्छी तरह से इसकी भुनाई करती हूँ। दोस्तों ये देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ कढ़ाई चाप कढ़ाई, और बहुत टेस्टी बन रही है माशाल्लाह से। और इसके साथ ही मैंने ना चिकन पुलाव का मसाला भी तैयार किया हुआ, पुलाव बना रही हूँ चिकन पुलाव। दोस्तों इसके साथ ही मैं दही डाल देती हूँ ताकि दही के साथ ना अच्छी तरह से ग्रेवी तैयार हो जाए। तकरीबन मैंने 1 पाउंड दही डाला इसमें। दोस्तों देखें, अब इसका पानी तकरीबन ड्राई होने वाला है। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच ब्लैक पेपर। इसके साथ ही मैं डालूंगी अदरक जो मैंने सफ़ेद ज़ीरे में पीस के रखा था, इसे भुनाई करूंगी अदरक से।
मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें। दोस्तों देखें तकरीबन हमारे यहाँ खाना है बिल्कुल रेडी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, स्लाइस में मैंने काट लिया था। ये देखें हमारा खाना बिल्कुल रेडी है, चाम बिल्कुल तैयार है, मटन कढ़ाई। थोड़ा सा डालूंगी इसमें सबज धनिया, ये देखें दोस्तों इसे 5 मिनट तक और भूनूंगी, इसका घी ऊपर आ जाएगा, तकरीबन हमारा खाना तैयार है। दोस्तों देखो मेरी चाम कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है और इधर हमारा पुलाव भी रेडी है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें देखो मेरी चाम कढ़ाई भी बिल्कुल रेडी है और इधर हमारा पुलाव भी रेडी है। ये मैंने थोड़ा सा इसमें जर्दा रंग डाल दिया था। ये देखिए दोस्तों खुशबू बहुत मज़े प्यारी, पुलाव की। ये देखिए ये था हमारा आज तक का व्लॉग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना मत भूलें और अपनी दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए इजाज़त है, अल्लाह हाफिज़।